वेलकम बैक टू स्टॉक्स पावर यूट्यूब चैनल। तो आज यहाँ पे हम टाटा मोटर्स लिमिटेड स्टॉक के बारे में बात करने वाले और लेटेस्ट अपडेट भी यहाँ पे देखने वाले। तो टाटा मोटर्स स्टॉक की बात की जाए तो आज यहाँ पे आप देख सकते हैं खास बात भी है। तकरीबन आज यहाँ पे 434.60 पे ट्रेडिंग करा है। तकरीबन यहाँ पे ओपन हुआ था 434 पे, हाई भी देख सकते हैं आज का 435.50 का बना चुका है। तकरीबन सुबह में जैसे 434 लेवल पे ओपन हुआ तो यहाँ पे आप देख सकते थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली थी। गिरावट के बाद एक अच्छी रिकवरी दिखाई, पर यहाँ पे जो प्रीवियस क्लोजिंग है उसका रेजिस्टेंस लगने के बाद फिर गिरावट के बाद एक अच्छी रिकवरी की है। तकरीबन आज का लो देख सकते हो 430.85, पहले से जो सपोर्टिव लेवल है स्ट्रॉन्ग सपोर्टिव लेवल वो 430 लेवल, वहाँ पे सपोर्ट आज भी लेता हुआ नजर आ चुका है टाटा मोटर स्टॉक। तो टाटा मोटर स्टॉक ने जैसे 434 लेवल को ब्रेकआउट या थोड़ा सा मूवमेंट देखने को मिला है और हाई 435.50 का बना चुका है। मार्केट कैप भी देख सकते हो 1.25 लाख करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है टाटा मोटर का। और पिछले 5 दिनों की भी बात देखी जाए तो पिछले 5 दिनों में करीब यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत ही चौपी मूवमेंट हो चुकी है। तकरीबन 430 to 440 लेवल के बीच में मूवमेंट हो चुके हैं। और 1 मंथ की भी बात की जाए तो 1 मंथ में यहाँ पे आप देख सकते हैं करीब 2.89% की गिरावट देखने को मिले टाटा मोटर स्टॉक के अंदर। तो टाटा मोटर स्टॉक की न्यूज भी देखी जाए तो लेटेस्ट न्यूज यहाँ पे आप देख सकते कोई खास नहीं है, पर यहाँ पे आप देख सकते द मंथली ऑटो सेल्स डाटा विल स्टार्ट कमिंग इन फ्रॉम फ्राइडे। मीन्स तकरीबन आज से यहाँ पे आप देख सकते कि मंथली ऑटो सेल का डाटा यहाँ पे निकल आएगा बाहर MMM मारुति टाटा मोटर्स का। इसलिए यहाँ पे आप देख सकते टाटा मोटर्स में मूवमेंट ज्यादा होने के चांसेस दोपहर के बाद देखने को मिल सके अच्छी मूवमेंट। तो ये थी लेटेस्ट न्यूज यहाँ पे टाटा मोटर्स स्टॉक के लिए।